अभी तक हमने बीए भाग तृतीय के जो प्रथम प्रश्न पत्र है समाजशास्त्रीय विचारकों के बारे में, इसके अंतर्गत हमने पश्चिमी विचारकों के बारे में पढ़ा है। आज भारतीय सामाजिक विचारक जी एस घुरिए के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि भारत में समाजशास्त्र की शुरुआत कब हुई और इसमें इनका घुरिए का कितना योगदान है, और इसके अलावा घुरिए ने भारतीय समाजशास्त्र के लिए क्या कार्य किए थे जो समाजशास्त्र का विषय है, क्षेत्र जो है इतना समृद्ध बन पाया। जी एस घुरिए जो भारतीय समाजशास्त्री हैं, इनका जन्म जो है महाराष्ट्र में हुआ था, महाराष्ट्र में। वैसे तो कहते हैं कि समाजशास्त्र जो है, भारत में समाजशास्त्र की शुरुआत जो है वैदिक काल से ही रही है। वैदिक काल आप सभी समझते हैं, वैदिक काल बहुत ही पुराना समय, यानी प्राचीन काल से, अत्यंत प्राचीन, जब वेद शास्त्र थे, वेद धर्म ग्रंथ थे, तब से भारत में समाजशास्त्र की शुरुआत रही है। मगर औपचारिक रूप से, यानी एक विषय के रूप में इसका जो स्थापना हुई थी इसकी, वो 20वीं शताब्दी में हुई थी। यानी एक ऐसा मानविकी विषय है समाजशास्त्र जो अत्यंत नवीन है और विकास की, अभी कह सकते हैं कि युवा अवस्था में ही है। 20वीं शताब्दी के अंतर्गत 1914 में मुंबई विश्वविद्यालय में एक उप विषय के रूप में समाजशास्त्र प्रथम बार पढ़ाया गया था, और इसी के साथ 1919 में ब्रिटिश समाजशास्त्री थे एक पैट्रिक गिब्स, इनकी अध्यक्षता में अलग से समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई थी। धीरे धीरे फिर ये लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई थी, जहाँ राधा कमल मुखर्जी इसके अध्यक्ष रहे थे। धीरे धीरे फिर ये फैलता चला गया, पुणे विश्वविद्यालय और अन्य विभिन्न विश्वविद्यालयों के अंतर्गत समाजशास्त्र एक अलग विषय के रूप में इसकी पहचान बनती चली। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय समाज के अध्ययन के यूरोपीय दृष्टिकोण में कई खामियां थीं, तथा ये अनुभव भी किया गया। अब अनुभव किसने किया था? भारतीय जो सामाजिक विचारक थे उस समय के, उन्होंने अनुभव किया कि भारतीय समाज एक सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट समाज, यूनिक सोसाइटी है, जिसे यूरोपीय दृष्टिकोण से नहीं समझा जा सकता। यानी समाजशास्त्र एक नवीनतम विषय था, यूरोप में इसका जन्म हुआ था, और जितने भी विषय की जो आधार था वो यूरोपियन सामाजिक व्यवस्था थी, और उसी से संबंधित विभिन्न तकनीकी थी और परिपेक्ष्य थे। तो कह भारतीय समाजशास्त्रियों का यह कथन था कि यूरोपियन पद्धति के आधार पर भारतीय समाज को, भारतीय समाजशास्त्र को समझना अत्यंत मुश्किल है, क्योंकि भारतीय समाज की अपनी अलग समृद्ध संस्कृति है जो वैदिक काल से चलती चली आ रही है, और उस समृद्ध संस्कृति को हम यूरोपियन कल्चर और यूरोपियन आधार पर नहीं समझ सकते, इसकी अपनी अलग पद्धति होनी चाहिए। विलियम जोन्स ने, ये ब्रिटिश वो थे समाज सुधारक थे विलियम जोन्स, जिन्होंने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1794 में एक रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, और इसी क्रम में यूरोपियन प्रतिक्रिया के रूप में भारत शास्त्र पद्धति का विकास हुआ। इंडोलॉजिकल प्रस्पेक्टस, किसी भी परिपेक्ष को समझने का एक नया नज़रिया, जो पूर्णतः भारतीय था। इंडोलॉजिकल प्रस्पेक्टस एक ऐसा दृष्टिकोण है जो प्राच्य पुस्तकों, अब जो हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं, वेद, उपनिषद, पुराण, जिसके माध्यम से भारत की समृद्ध संस्कृति को जाना जा सकता है, भारतीय समाज, तो वही उसी प्रोस्पेक्टस जो है, भारत विद्याशास्त्र एक ऐसा दृष्टिकोण है जो प्राच्य पुस्तकों के माध्यम से भारतीय समाज को समझने का प्रयास करता है। इसी क्रम में भारत शास्त्रियों ने कहा आगे
कि जो पुस्तक हमारे देश में जितनी प्राचीन है वह उतनी ही विश्वसनीय सिद्ध होगी। अतः इन्हीं पुस्तकों का अध्ययन और विश्लेषण करके ही हम भारतीय समाज को समझ सकते हैं। और इसी क्रम में आगे विलियम जोन्स के साथ साथ पश्चिमी विचारक लुई ड्यूमोंट, मैक्स मूलर, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को भारतीय धर्म ग्रंथों के आधार पर समझने का प्रयास किया, और लेकिन फिर भी पश्चिमी भारत शास्त्रियों ने क्या किया था, औपनिवेशिक उद्देश्यों, इनका जो उद्देश्य था वो ब्रिटिश था, औपनिवेशिक उद्देश्यों के आधार पर वो भारतीय समाज को समझना चाहते थे। इन्होंने शास्त्रों के माध्यम से भारतीय समाज का नकारात्मक चित्रण जन सामान्य के समक्ष प्रस्तुत किया और यह प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे थे। कौन कौन, ये दो चार जो नाम हैं, मैक्स मूलर, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अध्यक्ष विलियम जोन्स, लुई ड्यूमोंट, इन्होंने क्या कहा कि भारतीय समाज एवं हिंदू धर्म अंधविश्वास, असमानता, पाखंड, छुआछूत आदि से ग्रस्त हैं, आदि पर आधारित। यानी इन्होंने भारतीय समाज को समझने के लिए भारतीय धर्म ग्रंथों का प्रयोग तो किया, लेकिन इन धर्म ग्रंथों का प्रयोग इन्होंने भारत को हर तरीके से पिछड़ा साबित करने के लिए किया कि भारत जो है पिछड़ा है, भारतीय संस्कृति पिछड़ी है, यूरोपियन संस्कृति आगे है। इसके मूल में इनका उद्देश्य ये था कि इसमें लिखा हुआ पहले भी कि औपनिवेशिक उद्देश्य, यानी ब्रिटिश सरकार का राज था उस समय, और ब्रिटिश औपनिवेशिक जो उद्देश्य थे वो ब्रिटिशर्स के पक्ष में थे, इसलिए भारतीय संस्कृति का नकारात्मक चित्रण इन्होंने प्रस्तुत किया था, जिससे जन सामान्य में मानसिक रूप से यह विश्वास आ जाए कि हम पिछड़े हैं और जो हम पर रूल कर रहे हैं वो हमसे काफ़ी आगे हैं और उनके छत्र छाया में हम सफल और समृद्ध बन सकते हैं, जिससे कि ब्रिटिश शासन लंबे समय तक कायम रह सके। यूरोपियन भारत शास्त्र की प्रतिक्रिया में राष्ट्रवादी भारत शास्त्र का जन्म हुआ। राष्ट्रवादी भारत शास्त्रियों ने को बॉम्बे स्कूल ऑफ थॉट्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें प्रमुख थे वी डी सावरकर,